नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। प्रदेश के मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगी कांग्रेस। अब मंदसौर से शुरू हुए किसान आंदोलन के बाद सरदार सरोवर बांध से जुड़े विस्थापितों के मुद्दों को भुनाने की कोशिश में है। सड़कों के बाद विधानसभा में किसानों की अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने सरदार सरोवर के मुद्दे को प्रदेशव्यापी बनाकर उसे मालवा निमाड़ समेत प्रदेश की जनता के गले ये हकीकत उतारना चाहती है कि भाजपा की सरकार संवेदनहीन हो चली है। मिशन 2018 में भले ही अभी एक साल से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन कांग्रेस तमाम गुटबाजी के बावजूद चुनावी मोड़ में आ चुकी है। मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के दौरान मिली ऊर्जा के बाद कांग्रेस को अब सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के मुद्दे में जान दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामे से शुरुआत कर सरदार सरोवर बांध के मुद्दे पर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करवा कर दम लिया। इसी मुद्दे को लेकर न केवल कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री निवास के घेराव की कोशिश की, बल्कि जेल जाकर जनता को भी दर्शाने की कोशिश की कि कांग्रेस जनता के हक के लिए अब सड़कों पर है। सरदार सरोवर बांध अगस्त तक अपनी अधिकतम सीमा तक भर जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के 4 जिले बांध के बैक वाटर की चपेट से प्रभावित होंगे। इससे न केवल इन जिलों के हजारों लोग विस्थापित होंगे, बल्कि पूरी बरसात सिर पर छत और खाने पीने का संकट भी सामने खड़ा होगा। यही वजह है कि बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले इन चारों जिलों में कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर कर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाह रही है। ऊंचाई बढ़ाई जाए, मगर सरकार अपनी हठधर्मी में उतारू है और नरेंद्र मोदी के डर से, उनके दबाव की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के जो विस्थापित किसान हैं उनके हितों को त्याग कर दिया है। 25 और 40 हजार परिवार आज परेशान हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, मगर सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा मिला है, 75% जो लाभ है को मिला है और किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। और ये पूरी फसल बीमा योजना सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई है, किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरदार सरोवर बांध से प्रभावित किसान हैं, उनके विस्थापन की मांग को आज पूरी कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठी है और हमारी मांग है कि पहले उनको विस्थापित किया जाए और फिर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए। दरअसल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदार सरोवर चुनावी समीकरण साधने का मुद्दा है, जहां इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे मध्य प्रदेश सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। गौरतलब है कि सरदार सरोवर बांध को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च सीमा के स्तर तक भरा जाना है। पानी बांध पर 14 मीटर यानी 55 फीट तक बढ़ेगा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सैकड़ों गाँव में बैक वाटर के चलते पानी में डूबेंगे। मध्य प्रदेश के 4 जिले अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन प्रभावित होंगे। इन जिलों के 50,000 लोग विस्थापित होंगे। अब तक 20,000 लोगों को विस्थापित करने का सरकार का दावा। जाहिर है इन 4 जिलों में हजारों लोगों के विस्थापन के मामले में जनता में नाराजगी है। इसी नाराजगी को वोटों में तब्दील करने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे को धरने प्रदर्शन के माध्यम से भुनाना चाह रही है। यही वजह है कि सरकार इसे कांग्रेस की राजनीति मान रही है। मैंने पहले भी कहा है, 2 दिन पहले और आज भी कह रहा हूँ, सरदार सरोवर के जो विस्थापित परिवार हैं सरकार उनके साथ पूरी ताकत से खड़ी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अक्षरशः हम पालन कर रहे हैं। उनको जो पैकेज देने का मामला है वो हम दे रहे हैं। जो परिवार उसमें नहीं थे लेकिन वहाँ बसे हैं उनको भी प्रधानमंत्री का आवास दे रहे हैं। दूसरी जगह सेटल्ड होने के लिए 80,000 रुपये भी दे रहे हैं, परिवहन का फ्री भी कर रहे हैं और अस्थाई रूप से रोकने के लिए सेट भी बनाने का काम कर रहे हैं। और उनकी सहमति से वचन पत्र भराकर हम विस्थापितों को ठीक जगह विस्थापित करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस केवल किसानों को भड़काकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो ऐसे कृत्य कर रही है। किसानों को भी मालूम है कि सरकार ने बहुत अच्छा पैकेज हमको दिया है और हमको ठीक ढंग से वो व्यवस्थित कर रहे हैं। कहते हैं विकास जरूरी होता है, लेकिन उसकी कीमत एक बड़ी आबादी को उसकी जमीन से उखाड़ने और रोजी रोटी गंवाने के रूप में चुकानी पड़ती है। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या विकास की आड़ और वोट की राजनीति के चलते जनता के बुनियादी अधिकारों का ऐसे ही दोहन होता रहेगा। न्यूज आज के लिए प्रसन्ना शहाड़ी की रिपोर्ट, भोपाल। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।